साल खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने अभी अभी किया वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। इन युवा खिलाड़ियों को मिला वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में मौका। तो आखिर बीसीसीआई ने किन खिलाड़ियों को किया वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल और किसे दिखाया बाहर का रास्ता, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को अपने नाम करे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें, टीम इंडिया इस साल वनडे वर्ल्ड कप को अपने घर में ही खेलेगी। भारत की मेजबानी में इस साल वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है, जिसके लिए टीम इंडिया अभी से अपनी तैयारियों में जुट गई है। आपको बता दें, वनडे वर्ल्ड कप इस साल के अक्टूबर नवंबर के महीने में खेला जाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी, जबकि इसका फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। रोहित की कप्तानी में अभी तक टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि पिछली बार टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीत नहीं पाई थी। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में टीम को वर्ल्ड कप का खिताब जिताना चाहेंगे। आपको बता दें, पिछले 10 सालों से टीम इंडिया एक भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। ऐसे में रोहित शर्मा आईसीसी के खिताब को जीतकर इस सूखे को खत्म करना चाहेंगे। आपको बता दें, बीसीसीआई ने हाल ही में एक मीटिंग खत्म की है और इस मीटिंग में इस वर्ल्ड कप को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा और अहम फैसला ये है कि इस वर्ल्ड कप के लिए कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। इन युवा खिलाड़ियों ने हाल फिलहाल में अपने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया है, साथ ही आईपीएल 2023 में इन खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। ऐसे में इन खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए बीसीसीआई ने इन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल करने का फैसला किया है। तो चलो आपको बताते हैं कौन वो खिलाड़ी जो इस साल खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल किए गए हैं। दोस्तों सबसे पहले जिस खिलाड़ी का नाम आता है वो है यशस्वी जायसवाल। जी हां दोस्तों, जायसवाल भाई हाथ के बेद ही शानदार खिलाड़ी है। वो जायसवाल का घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन रहा है और इसी के साथ जायसवाल ने आईपीएल में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते उन्हें टीम में शामिल किया गया है। वहीं दूसरे नंबर पर जिस खिलाड़ी का नाम आता है वो है रिंकू सिंह। दोस्तों रिंकू सिंह भी बाई हाथ के खतरनाक बल्लेबाज है और इन्होंने आईपीएल 2023 में एक ओवर में 5 छक्के लगाकर सबको हैरान कर दिया था। इन्होंने कोलकाता की ओर से कई शानदार पारियां खेली है, जिसको देखते हुए रिंकू सिंह को टीम में शामिल किया गया है। बात करिए अगर तीसरे खिलाड़ी की तो वेंकटेश अय्यर का नाम सामने आया है। अय्यर ने भी आईपीएल 2023 में कोलकाता की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। अय्यर को इससे पहले भी टीम में खेलने का मौका मिल चुका है, लेकिन उस दौरान अय्यर का प्रदर्शन इतना खास नहीं था। ऐसे में अय्यर भी वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों ये है वो 3 धाकड़ खिलाड़ी जो वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस साल वनडे वर्ल्ड कप को जीत पाएगी या नहीं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।